बेमित्रा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम अंधियार खोर स्कूल में कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता हुई, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा कबाड़ से जुगाड़ के तहत बनाए गए प्रदर्शनी का किया गया अवलोकन। प्रत्येक बच्चों में कहीं न कहीं प्रतिभा छुपी होती है, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। बच्चों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कोई भी चीज फालतू न हो, हर छोटी छोटी वस्तुओं को जुगाड़ कर कुछ न कुछ काम योग्य सामान बनाना चाहिए। कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने, समझने और जानने का अवसर मिलता है। विज्ञान बच्चों के लिए खिलौना है, बड़ों के लिए समझदारी तो नहीं समझने वालों के लिए एक पहेली है। हमारे आसपास रोज वैज्ञानिक गतिविधियां होती रहती हैं, इस ओर लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। इतना ही नहीं, अज्ञानता के कारण हम घरों से कबाड़ बाहर फेंक देते हैं, जबकि कबाड़ से जुगाड़ कर घर में बेकार पड़ी वस्तुओं से हम स्टार मॉडल समेत कई कलाकृतियां बना सकते हैं। वस्तुओं से बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए कबाड़ से जुगाड़ कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मॉडल के बारे में बताएंगे आप, जो बनाए उसके बारे में क्या क्या काम है? मॉडल के बारे में सूर्य के प्रकार से हम अरुण जो सौर ऊर्जा को एकत्रित करके अपने बैटरी को गर्म होता है, तो बैटरी में उसको अवशोषित करके हम उसको रोशनी के माध्यम से अपने घर को रोशनी कर सकते हैं। और क्या है इसमें, और कुछ है? और प्रमुख कार्य क्या है इसका? प्रमुख कार्य सूर्य के रोशनी के माध्यम से अपने घर की रोशनी कर सकते हैं और बिजली का बचत कर सकते हैं। चलो, अच्छा काम मॉडल बना रहे हैं? मैं सौर ऊर्जा के मॉडल बना रहा हूँ। क्या काम आते हो? वो आज सौर ऊर्जा है, बिजली के बचत और घर में रोशनी ला सकता है और बिजली बचत कर सकता है, ऐसा मॉडल मैंने बनाया है। कितने लागत में बना है कबाड़ से जुगाड़ का? 50 से ज्यादा नहीं लगा, 25-50 रुपये लगा। 50-60 रुपये लगा। आज संकुल स्तरीय कबाड़ से जुगाड़ मॉडल प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन किया गया था, और इसमें 6 प्राथमिक शाला, 2 माध्यमिक शाला और एक हायर सेकेंडरी विद्यालय के बच्चे जो है प्रतिनिधित्व निभाए अपना, और इसमें बच्चों के द्वारा कबाड़ के माध्यम से मॉडल प्रदर्शन किया गया, और जो कहा जाए बच्चों के लिए और हमारे अन्य जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है और सीखने योग्य है। इससे बच्चे जो है भविष्य में कुछ नया करने की सोचेंगे, और ऐसा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि बच्चे जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे भविष्य में। कितने गांव के बच्चे आए थे लगभग? इसमें 8 गांव के बच्चे शामिल हुए। R9 भारत के लिए रोशन यादव की रिपोर्ट, बेमित्रा, छत्तीसगढ़ से।